दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर यानी कि पीसी लैपटॉप को रीसेट करना चाहते हैं, उसमें एक रीस्टोर पॉइंट बनाकर अपने डेटा को सेव करके उसे रीसेट करना चाहते हैं, जिससे कि आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा और आपका कंप्यूटर नया जैसा हो जाएगा, आपका लैपटॉप नया जैसा यानी कि फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आसानी से आप घर बैठे अपने पीसी में एक सेटिंग करके एक रीस्टोर पॉइंट बनाकर उसे आप आसानी से रीसेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जिस पर हम आपके लिए वीडियो बना सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका बगैर टाइम वेस्ट करते हुए तो आपको डेस्कटॉप पर जाना है। एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंप्यूटर का, जो कि ऑलमोस्ट सभी डेस्कटॉप में मिल जाता है। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, आपको यहां पर लेफ्ट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इस ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन और मिल जाएंगे। यहां पर आपको सिस्टम प्रोटेक्शन के ऑप्शन को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। यहां पर आप लोग देखिएगा अवेलेबल ड्राइव यानी कि जो भी आपकी लोकल डिस्क है वहां पर जिसका नाम आप जो दे रखे हैं यानी कि CDEF में, उसमें जिसमें भी आप अपना रिस्टोर पॉइंट बनाना चाहते हैं उस पर आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम यहां पर लोकल डिस्क ई में बनाना चाहते हैं, इस पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहां पर आपको एक क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा। इस क्रिएट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आप अपने रिस्टोर पॉइंट का नाम दे दीजिएगा, जो भी आप नाम देना चाहते हैं से आप नाम दे दीजिएगा और क्रिएट कर लीजिएगा। जब आप क्रिएट कर लेंगे थोड़े टाइम बाद ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद चलिए मैं क्रिएट नहीं करना चाहता तो यहां पर मैं कैंसिल कर दिया है। इसके बाद में आप लोग देखिएगा कैसे आप दोबारा से यहां पर आप कैंसिल करेंगे। दोबारा से आपको सिस्टम प्रोटेक्शन पर जाना है और उसके बाद में जिस भी यहां पर आपने ड्राइव में अपना लोकल जो रिस्टोर पॉइंट बनाकर रखा है उस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने लोकल डिस्क ई में बनाकर रखा है तो लोकल डिस्क ई में हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में देखिएगा यहां पर हमको जाना है सिस्टम रीस्टोर पर हम जाएंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका जो भी आपने नाम दिया था वो नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहां पर जो नेक्स्ट है नेक्स्ट करते जाएंगे, एक दो बार आपका नेक्स्ट करते जाएंगे। उसके बाद में आपका पीसी रीस्टोर हो जाएगा। आपके पीसी को यहां पर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक दो बार रीस्टार्ट करने के बाद आपका यहां पर सिस्टम रीसेट हो जाएगा और आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा, आपका रीस्टोर पॉइंट के अंदर सेव रहेगा। चलिए वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो को देखने के लिए।